वाह, लेक देखिए सामने कितनी बढ़िया दिख रही है बर्फ के साथ। खतरनाक मौसम हो गया। सुभाष जी, आपको जो लेक दिख रही है वहां पे भी जाने का रास्ता है, आगे हम वही जा रहे हैं। सो अभी हम बीच में केबल कार छोड़ दिया है क्योंकि यहाँ पे ये जो लेक है काफ़ी ऊपर से ब्यूटीफुल लग रही थी। क्या नाम है, ट्रूपुसी समथिंग नेम। तो अभी दिखाते हैं वो। चलिए to go from this side or that side. Okay. ये रहा, ये रहा, यहाँ से है ना जाने का। Okay, looks like it. Thank you. Thank you. Oh, yeah. You too. Thank you. मस्त डोंकी बनाया है यहाँ पे। एक बार हाँ जी बोलिए। और ये ट्रोप्से लेक करके कुछ नाम है, बीच लोकेशन पे है। अगर आप टिटलिस माउंटेन जा रहे हैं तो टिटलिस माउंटेन बिल्कुल ऊपर टॉप पे है। आप केबल कार्स वगैरह भी दिख रही होंगी आते हुए। और यहाँ पे जब आप आएंगे तो यहाँ पे बहुत ही खतरनाक व्यू है। देखिए अच्छी खासी स्नो गिरी है, पेड़ पे भी बहुत ही बढ़िया दिख रहे हैं। यह है ट्रूपसे करके नाम है इस लेक का। क्या व्यू है। तो ये लेक, ट्रूपसे लेक बहुत ही सुंदर दिख रही है। पेड़ों पे अच्छी खासी बर्फ गिरी हुई है, बादल भी अभी काफी कवर कर लिया माउंटेन को। जब हम आए थे तो नहीं था, तो अभी बिल्कुल ऐसे फोग टाइप कवर कर लिया है। अभी हम जो केबल कार स्टेशन है वहाँ पे जाकर पहुँच रहे हैं। टिटलिस माउंटेन्स वापस आते समय व्यूज़ काफ़ी बढ़िया है यहाँ से। अभी तो लैंड का व्यू आ गया है, ऊपर तो काफ़ी स्नो रखा था। अभी यहाँ से हम बस पकड़ के एंगलबर्ग स्टेशन जाएंगे। एंगलबर्ग स्टेशन से फिर हम लूसन के लिए ट्रेन पकड़ेंगे। एक फ़ायदा यहाँ पे ये है कि अगर आप गलती से, जैसे हमारा हाफ फेयर कार्ड था और हमने गलती से फुल फेयर कार्ड ले लिया, तो आप उसको रिफंड भी ले सकते हैं किसी भी नेक्स्ट स्टेशन पे जहाँ पे आप उतरेंगे या बाद में भी। तो उन्होंने, जैसे हमने
लूसर्न में गलती से फुल फेयर कार्ड ले लिया था जबकि हमारे पास हाफ फेयर कार्ड था, तो यहाँ पे एंगलबर्ग स्टेशन पे आके उन्होंने टेक्निकली रिफंड कर दिया क्योंकि हमने उसी प्राइसिंग से रिटर्न टिकट बुक कर दिया था। अभी हमें सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल को और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, हम सारी बहुत अच्छी अच्छी फोटोग्राफ्स और रील वहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, तो प्लीज 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 फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियोस को लाइक भी करना है, ठीक है? अभी के अभी लाइक कर दीजिएगा प्लीज। सो गाइज अब हम लोग कहाँ पे रुके हुए हैं? एंगेलबर्ग केबल कार के पास, जो एक स्टेशन है वहाँ पे, और वहाँ पे व्यूज इतने अमेजिंग हैं, इतने ब्यूटीफुल व्यूज हैं कि यहाँ पे मतलब आपको फोटोज और रील्स लेने के बहुत स्कोप हैं। तो आप अगर कभी भी आएँ तो यहाँ पे आप ट्राई करिएगा, तो बहुत अमेजिंग आपकी फोटोज आएंगी और आपकी रील्स भी। और हमारी रील्स और फोटोज देखने के लिए आपको हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना पड़ेगा, तो आप जाके हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करिए, उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे और आपको वीडियो पे कहीं पे भी आपको दिख भी जाएगा, ठीक है? और ये जनाब शाहरुख खान का एक पोज नहीं दे रहे हैं अच्छे से, मूड नहीं बन रहा इनका। सलमान खान का ओ, बट हमें शाहरुख खान पसंद है। एक व्यू ये है राइट साइड में और एक जो व्यू है वो है ये ऐसे लेफ्ट साइड में, और यहाँ पे ये एक रिवर। तो अब कहाँ जा रहे हैं हम? अभी चलते हैं एंगलबर्ग स्टेशन, जहाँ से हम लूसर्न के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। बाकी रास्ते में वॉक करके जा रहे हैं, कुछ व्यूज अगर अच्छे दिखेंगे तो उसको उनका एंजॉय भी करेंगे। इट्स गुड, इट्स 8 मिनट्स ऑलमोस्ट फ्रॉम हियर। तो गाइस देखिए वॉक करते हुए जा रहे हैं और व्यूज़ फिर भी इतने अच्छे लग रहे हैं, किस तरफ भी चले जाओ वॉक करते हुए मतलब हर जगह व्यूज़ जो है ना वो आपको स्पेल बाउंड कर देंगे। सो यार मस्ट विज़िट प्लेस है, ऐसे पहले देखते थे मूवीज़ वगैरह में बट आके तो बड़ा मज़ा आ रहा है। सो आज का हमारा जो फर्स्ट डे है वो काफ़ी अच्छा जा रहा है, ये व्यूज़ देख के तो ऐसे मज़ा आ गया। बारिश नहीं हुई, थोड़ी बहुत सन आ रहा था कुछ एक जगह नहीं आ रहा था, बट सन आए ना आए मतलब बादल हो कि नहीं हो फोग हो, बट यहाँ का व्यू ही इतना अमेजिंग है कि आप उसको फुल एंजॉय कर सकते हो। अब हम लोग जा रहे हैं वॉक करते हुए लूसर्न जो ट्रेन स्टेशन है वहाँ पे। वैसे आपको जो रोप लाइन जो भी है यहाँ पे रोप वे से अगर आप जाते हो उस स्टेशन से, बस भी आती है जो आपको लूसर्न ट्रेन स्टेशन पे ड्रॉप करती है, बट वो बस क्या है कि वो सिटी के अंदर घूमते हुए जाती है तो वो 20 मिनट्स लेती है, और अगर आप वॉक करके जाओगे तो आपको 8 मिनट्स लगेगा। तो आप वॉक करते हुए जाओगे, आप व्यूज़ देखते हुए जाओ, एंजॉय करते हुए जाओ, और अगर फ़ोटोज़ वीडियोज़ लेना है तो वो भी आप ले सकते हो। तो हम लोग जब आए थे तो बारिश हो रही थी तब हम लोग बस से आए, लेकिन अब हम वॉक करके जा रहे हैं ट्रेन स्टेशन की, और अच्छा लग रहा है।
मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल व्यूज़ हैं। तो मतलब पता नहीं, हम वीडियोस में दिखाने की कोशिश तो कर रहे हैं बट एक जब आप अपनी आँखों से देखते हो तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। सो हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ऑब्वियसली वेदर ठंडा है बट अच्छा है, मतलब ऊपर थोड़ी ज़्यादा ठंड थी वहाँ पे टिटलिस पे माउंटेन पे, लेकिन यहाँ पे इतनी ठंड नहीं है। आप लेयर करके कपड़े पहन रहे हो या जैकेट पहन रहे हो तो बेस्ट है, बाकी सेफर साइड आप अपना लाओ, क्योंकि हर किसी को ठंड सहन करने का एक अपना होता है कि किसी को ज़्यादा लगती है किसी को कम लगती है। बट आप अच्छा खासा मोटा जैकेट लेके आओ और लेयर करके आओ। सो व्यूज़ आप देख ही पा रहे होंगे मेरे पीछे, पूरा ग्रीन सूदिंग एकदम सीनिक, बेस्ट बेस्ट व्यू। ये देखिए गाइस, जिन व्यूज़ की मैं बात कर रही हूँ कि आप जब वॉक करते हुए जाते हो तो वो आपको कितने अमेजिंग व्यूज़ दिखते हैं, देखिए माउंटेन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। एक्चुअली हम लोगों के साथ प्रॉब्लम अब ये हो गया है कि कैमरा का बैटरी डाउन हो गया है, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी क्लिप्स ले ली थी कैमरा से और अब थोड़ा चार्ज करना डिफ़िकल्ट है। तो अभी सिर्फ चार्जिंग पे मैंने फ़ोन लगाया और अब आईफोन से हम लोग शूट कर रहे हैं। होपफुली अगर थोड़ा बहुत अप डाउन होगा तो आप लोग समझ जाएंगे। तो कैमरा चार्ज हो जाएगा तो कल से हम कोशिश करेंगे उसको अच्छे से चार्ज रखें और एक्स्ट्रा बैटरी पास में रखें ताकि हमको प्रॉब्लम ना हो। तब तक आप थोड़ा बहुत फ़ोन से इंजॉय कर लीजिए जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो कैसा लग रहा है? तो बढ़िया व्यूज है, मतलब ऐसा है कि वीडियो रिकॉर्डिंग सब भूल जाओ और बस देखते रहो। हाँ, होता है तो ऐसा ही है कि व्यूज देखने में लग जाते हैं तो हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं और फिर याद आता कि अरे यार ये व्यू तो मिस करते हैं, इसका तो रील लेना था, इसका तो वीडियो बनाना था। बट पहला दिन है, थोड़ा हम इंजॉय भी कर रहे हैं साथ में, क्योंकि यार आए हैं तो उसको इंजॉय भी करना है आराम से, बिना टेंशन के कि वीडियो लेना है और कुछ फ़ोटोज़ लेनी है। बट कोशिश ये कर रहे हैं कि हम दोनों को बैलेंस आउट करें और दोनों काम अच्छे से भी करें। स्टेशन बस आ गया, सामने स्टेशन है, स्टेशन आ गया है, यहाँ से दूसरे के लिए और फिर जाते हैं और थोड़ा फ्रेश वेश करके होटल जाके और दिन फिर आप डिसाइड करेंगे कि हम लोग डिनर में क्या लेंगे, क्या खाएंगे, क्या खाएंगे। चलो वो भी आपको हम बताते हैं जो भी हम खाएंगे। बट दिन तो अच्छा बन रहा, इन व्यूज ने दिन बना दिया, मैं एक्सपेक्टेड नहीं था। हाँ आ चुकी है हमारी ट्रेन जो रोशन के लिए जाएगी और हम लोग जा रहे हैं ट्रेन में बैठने के लिए। सो गाइस मॉर्निंग इवनिंग का 4 बज गया है और 4:10 पे ट्रेन निकलेगी यहाँ से। क्या करेंगे हम नाश्ता पानी में, बताइए क्या है आपके पास? नाश्ता पानी स्पेशल, वी हैव सम बचे हुए ब्लूबेरीज, यस, जो हमने कूप से लिए थे कल, यम्मी थे, और ये हल्दीराम जो हम अपने साथ लेके आए थे स्विट्जरलैंड, तो चल ही नहीं सकते मतलब कहीं पे भी जा रहे हैं। और कुछ बिस्किट्स पैकेट हैं हमारे पास जो हम कैरी कर रहे हैं अपने साथ में ताकि कहीं पर भी ऐसा मौका मिले तो आराम से बैठ के मंचिंग कर लें। That's the plan. But अब ये अलग कोच है जिसमें जस्ट ग्लास है, ये काफ़ी बड़ा आप देखेंगे तो यहाँ से भी आप ज़्यादा बेटर इन्जॉय कर सकते हैं। देखिए बारिश काफ़ी तेज़ शुरू हो गई है बाहर, टाइमली आई गए हैं यहाँ पे मतलब फिर में तो बारिश काफ़ी उसमें भी शायद गिर जाए यहाँ पे, क्योंकि माउंटेन्स थोड़ा गिरी रही थी यहाँ पे भी शायद गिर जाए। बट अभी आई गेस 5 मिनट्स में ट्रेन स्टार्ट होगी और जर्नी
एंजॉय करते हुए चलते हैं। सो हम हमारा खाने पीने का सामान साथ में लाए हैं कि आपको चुटमुट कुछ चखना चखना टाइप खाना हो साथ में, तो हम लोग कैरी कर रहे थे साथ में, तो ये बहुत काम आएगा जो हम अभी खाएंगे, क्योंकि हमने ऊपर तो कॉफ़ी वगैरह फ्राइज वगैरह खा लिया था, बट अभी डिनर में टाइम है तो हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बहुत ये खा लेते हैं एंड देन फिर डिनर के लिए अच्छा सा प्लेस ढूंढ के वहाँ पर डिनर करेंगे। यार मेरी नॉजी रेड हो गई ठंडी से, अब की तो नहीं हुई मेरी ठंड से नाक रेड हो जाती है एकदम से। अब हम इंजॉय करेंगे हमारी व्यूज ट्रेन जर्नी के, देखते हैं कि इस तरफ आते हैं किस तरफ आते हैं। यार इधर देखिए कि दोनों तरफ इतने अच्छे व्यूज आते हैं कि आप बीच बीच में कंफ्यूज होते रहते हो कि उस तरफ जाके बैठे कि इधर बैठे, बट जिधर भी बैठे व्यूज आ जाते हैं। तो अगर आपके पास वाली या पीछे वाली आगे वाली सीट कोई खाली हो तो आप चेंज कर करके वहाँ से अपने वीडियोज या फोटोज ले सकते हो और इंजॉय कर सकते हो व्यूज। अभी बाय बाय कहाँ, बाय बाय इटलेस माउंटेन, बाय बाय। सो अब हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए रेस्टोरेंट में। हम सोच रहे हैं कि डिनर हम यहीं से करके चले जाएं, क्योंकि होटल जाने के बाद बेड पे बैठने के बाद ऐसा आलस हो जाता है कि आपको निकलने का मन नहीं करता। सो हमने सोचा क्यों ना खा पी के चले और फिर देन आराम से वहाँ पे रेस्ट करेंगे। तो अब हम जा रहे हैं रेस्टोरेंट की और रेस्टोरेंट जिसके दिखाते हैं हम आपको कैसा रेस्टोरेंट है, कैसा फूड है, क्या हम ऑर्डर करते हैं, और डेफिनेटली हमारा जो भी फीडबैक होगा आप उनके साथ शेयर करेंगे रेस्टोरेंट को लेके। तब तक मैं आपको यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। अब जो सन का सिटी है मेन वहाँ का, और अब सन निकला है तो अभी अभी अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। सो ये है व्यू लुजन सिटी का। और ये हमारी मूवी के हीरो। और ये है लुसन सिटी का ओल्ड टाउन, जो कि ओल्ड चैपल ब्रिज के दूसरी तरफ है। जब आप ब्रिज क्रॉस करके आएंगे तो ये आपको सिटी का एरिया इजीली आप फाइंड कर सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत बिल्डिंग है यहाँ पे, काफ़ी ओल्ड बिल्डिंग है, तकरीबन 200 प्लस ईयर्स ओल्ड है। काफ़ी खूबसूरत एरिया है, आप यहाँ पर भी आके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पे गाइड भी हायर कर सकते हैं जो कि आपको इस एरिए की हिस्ट्री काफ़ी डिटेल में बता सकते हैं। अभी हम चलेंगे यहाँ से डिनर के लिए, काफ़ी थक गए हैं, अभी हम डिनर के लिए जगह ढूंढते हैं। एक इसके आगे है मिर्च मसाला करके, वो भी देख सकते हैं। अभी एक नया रेस्टोरेंट देखना पड़ेगा, क्योंकि जो दो रेस्टोरेंट हमने भी देखे थे वो एक तो परमानेंट क्लोज दिखा रहे हैं और एक एक्चुअली 4:30 बजे खुलता है, बट 4:30 बजे खुलता है, अभी 5:30 बज रहे हैं और अभी तक वो खुला नहीं है। तो अभी कह रहे हैं 10-15 मिनट और लगेगा। सो नया रेस्टोरेंट देख रहे हैं जहाँ पर खाना खा सकें अर्ली डिनर टाइप, मार्केट एरिया से अभी जा रहे हैं। फाइनली काफ़ी घूमने के बाद
हमको एक साउथ एशियन रेस्टोरेंट मिल गया जहाँ पे हमको वेजिटेरियन फूड के ऑप्शंस हैं। काफ़ी इंडियन खाने की हमको क्रेविंग हो रही थी दिन भर, तो आज हम पेट भर के चावल दाल और सब्जी खाएंगे। एक चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं कि रेस्टोरेंट हमने आइडेंटिफाई किया कि कैश ओनली था, जो कि हमको लास्ट में पता चला। बट अगर आप ऐसी कोई जगह आते हैं स्विट्ज़रलैंड में, तो इस चीज़ का आप ध्यान रख सकते हैं ताकि आपके पास कैश हो। अभी हम पेट भर के डिनर करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। तब तक खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।